भाजपा द्वारा लगातार केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी जैसे सरकारी एजेंसियों का उपयोग सरकार विपक्ष को बदनाम करने के लिए करती है। उक्त बातें आज सासाराम में आक्रोश मार्च के दौरान करघर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा ने कहा है। उन्होंने ईडी को भी तोता कहा है। मार्च के दौरान जब तक मोदी सत्ता है ईडी सीबीआई को आगे करता है। केंद्र सरकार जो मुख्य मुद्दे हैं इस देश में, बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल खाद्य पदार्थों के दामों पर जो जीएसटी अभी लगाया है, जो धर्म के माध्यम से धर्म के का को हथियार बनाकर लोगों में जो विभाजन कर रही है, उन सब चीज़ों को और ईडी सीबीआई का खास तौर से विपक्षी दलों के नेताओं पर उनका दुरुपयोग करके उन्हें अपना तोता बनाकर और उनसे उनके ऊपर जो उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको हरास करने की कोशिश कर रही है, उसके विरोध में ये हमारा आक्रोश मार्च।